इस क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स पी एंड एस विद चार्ज क्यू ऑन ईच, मतलब दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है पी और एस जिन पे चार्ज कितना है क्यू। आगे कह रहा है रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, और वो एक दूसरे को 16 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। आगे कह रहा है अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर आर इज सक्सेसिवली ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्फीयर्स, मतलब एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर है ठीक ना, जिसपे चार्ज जीरो है, वो सक्सेसिवली इनसे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, मतलब पहले पी से फिर एस से, या पहले एस से फिर पी से, ऐसा ठीक ना, एक बार पी से टच कर रहा है फिर एक बार एस से ठीक। फिर आगे कह रहा है द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन पी एंड एस इज, तो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा इनके बीच में आफ्टर आर के टच होने के बाद, वो हमें बताना है ठीक ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास दो बॉडीज हो गई, एक हो गई पी एक हो गई एस, इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं आर, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे भी चार्ज है क्यू, इधर फोर्स हो गया एफ डै मतलब एफ, इस पे भी फोर्स हो गया एफ, क्लियर। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ठीक ना, के क्यू वन क्यू टू तो क्यू 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो कि कितना है 16 न्यूटन, ऐसा हमें गिवन है। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 16 न्यूटन, क्लियर। अब देखो एक अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है जीरो, ये पहले टच हुआ किससे पी से, तो पी पे चार्ज कितनी थी क्यू और आर पे चार्ज कितनी थी जीरो, तो इनके बीच में फाइनल चार्ज कितना क्यू प्लस जीरो बाय टू, बोले तो क्यू बाय टू, तो इसका मतलब पी पे चार्ज कितनी हो गई अब क्यू बाय टू, आर पे चार्ज कितनी क्यू बाय टू, दोनों पे क्यू बाय टू क्यू बाय टू ठीक ना, ये क्लियर। अब आर टच हुई किससे एस से ठीक ना, आर टच हुई एस से, तो आर ये एस, आर पे चार्ज कितना क्यू बाय टू, एस पे चार्ज कितना क्यू, तो इन पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा क्यू बाय टू प्लस क्यू बाय टू, सॉल्व करेंगे थ्री क्यू बाय फोर, तो अब सब पे चार्ज कितना है पी पे चार्ज कितना है क्यू बाय टू, आर पे कितना थ्री क्यू बाय फोर, और एस पे कितना है इस पे भी थ्री क्यू बाय फोर ठीक ना। अब पी और एस को ये टचिंग ये सारा प्रोसेस करा के वापस यहीं रख दो आर डिस्टेंस पे रख दो, तो ये हमने रखा पी को यहाँ रखा और एस को यहाँ रखा, इनके बीच का सेपरेशन इज आर, इस पे फोर्स चार्ज कितना क्यू बाय टू, एस पे चार्ज कितना थ्री क्यू बाय फोर, क्लियर। अब न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो हमने मान लिया एफ डैस, अब ये एफ डैस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्लियर ना, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो एफ कितना एफ डैस इक्वल टू क्या हो जाएगा के, इस पे चार्ज कितना क्यू बाय टू, इस पे चार्ज कितना थ्री क्यू बाय फोर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो एफ डैस इक्वल टू फोर टू जा एट थ्री बाय एट बाहर आ जाएगा, बाकी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो कि किसकी वैल्यू है 16, तो एफ डैस इक्वल टू थ्री बाय एट इंटू 16, एट टू जा 16, तो 3 इंटू टू, तो एफ डैस कितनी आ गई है एफ डैस न्यू फोर्स हो गई 3 इंटू टू, बोले तो 6 न्यूटन, क्लियर ना, ये नई फोर्स है हमारी 6 न्यूटन, क्लियर ना, इसमें कोई परेशानी नहीं, तो 6 न्यूटन, क्लियर।